हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सॉल्व करते हैं क्लास टेंथ का 2018 का जो बोर्ड का पेपर है उसको। आज का क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट जो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी डी, चार कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल के बोलता है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया तो इसका एरिया निकालना है। तो देखिए, डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल का जो होता है उसका एरिया निकालने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर उसको हम दो बराबर हिस्सों में बांट दें, जैसे हमने ये डायगोनल खींच ली तो ए सी डायगोनल, तो इसने ये दो ट्रायंगल दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ए बी सी और ए सी डी। तो अगर हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एरिया हम पहले निकालेंगे, एरिया निकालते हैं ट्रायंगल ए बी सी का। तो एरिया जो ट्रायंगल ए बी सी, तो देखिए जो एरिया का फॉर्मूला है वो सिंपल है, वो 1/2 इंटू, मतलब ये मोड x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये जो साइन लगा हुआ है, तो ये मोड का साइन है। इसका मतलब है कि भाई अगर आंसर माइनस में आएगा तो प्लस में कर देंगे, लेकिन प्लस का माइनस में नहीं होगा, इसलिए हम ये साइन लगाते हैं। तो इसमें x1 की बात करेंगे तो देखिए x1 ये हो गया, y1, x2 और y2 और x3 और y3। तो सिंपल से फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ x1 जो हमारे लिए वो है -5। तो ये हो जाएगा -5 ब्रैकेट ओपन y2 माइनस y3। तो y3 जो हमारे लिए हुआ है -6 ब्रैकेट बंद प्लस x2 y3 माइनस y1। प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये हो गया इसमें। अब इसको देखिए सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उनको खोलेंगे, तो इसको फिलहाल ऐसे रखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, तो ये आएगा -5 प्लस 6, फिर -4, इसको फिर से ऐसे ही, तो ये ब्रैकेट खुलने का -6 -7 यही रहेगा, प्लस -1 7 प्लस 5, इस तरह से हो गया। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो आएगा -5 और प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आएगा +1 -4 माइनस माइनस प्लस, तो आ गया -13 -1, तो ये आ जाएगा 7 और 5 12। अब बस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो आंसर आएगा उसको फिर हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस माइनस माइनस 5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 13, तो माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है 52 प्लस माइनस माइनस और 12। अब इन दोनों को आपस में प्लस माइनस, ये माइनस हो गया तो 50 में से 12 हो जाएगा तो बचेगा 40, और फिर से प्लस का 40 बचेगा, तो ये हाफ -5 प्लस 40, और फिर से प्लस माइनस माइनस हो गया तो हाफ 35। तो सीधा सा मतलब है 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, इतना आ गया। तो ये आया एरिया अभी तक ट्रायंगल एबीसी जो है, इस ट्रायंगल का एरिया है। उसी तरह से हम ट्रायंगल एसीडी का एरिया निकालेंगे।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, बस पहले हमने x1 और x2 जिनको मान रखा था, अब थोड़ा वो वैल्यू चेंज हो जाएंगी यहाँ पे, तो हाफ y1 माइनस y2 इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पे देखिए x1 हमारे लिए हो जाएगा माइनस वन, y1 माइनस सिक्स, x2 और y2, उसी तरह से x3 माइनस फाइव और y3 सेवन। तो देखिए ये वैल्यू गाइस किस तरह से ले रखी है, यहाँ पे जो x1 हमने ले रखा है वो है हमारे पास से माइनस वन, और y1 जो है ये वाला। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमने x1 ले रखा था वो ये वाला था, तो हम एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं ऐसे, ये x1 x2 x3, तो उसी तरह से यहाँ पे भी x1 x2 x3 इस तरह से चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज चलेगा। तो इसलिए हमारे पास जो x2 हो गया वो 4 और y2 5 और x3 हमारे लिए फिर ये हो गया। तो एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, या तो आप चल सकते हो क्लॉक वाइज या तो एंटी क्लॉक वाइज, तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉक वाइज चल रहे, तो हर बार एंटी क्लॉक वाइज ही चलेंगे। तो बस आप फिर से इसमें वैल्यू रखेंगे, अब तो आंसर आ जाएगा हाफ, तो x1 जो हमारे पास है वो है माइनस वन, फाइव माइनस सेवन प्लस फोर इंटू सेवन, और फोर इंटू सेवन माइनस सिक्स, क्योंकि छः भी माइनस का है, प्लस माइनस फाइव, तो माइनस सिक्स और माइनस फाइव, और यहाँ पे भी सिंपल तरीके से हो जाएगा ब्रैकेट, ये आपस में सोल्व होंगे तो इनका आंसर आएगा सात में से पाँच गया, तो दो और निशान लगेगा बड़े का, तो माइनस दो प्लस फोर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आएगा सेवन प्लस सिक्स माइनस फाइव, और ये हो जाएगा माइनस ग्यारह। तो माइनस माइनस ये भी प्लस टू, फोर मल्टीप्लाई बाय तेरह, प्लस ये भी प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस माइनस यहाँ पर से प्लस हो गया, तो फाइव मल्टीप्लाई बाय इलेवन, तो इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टू प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय थर्टीन, जो कि बनेगा फिफ्टी टू, और फाइव मल्टीप्लाई बाय इलेवन हो जाएगा फिफ्टी फाइव, इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 109 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया ट्राइंगल ए सी डी का एरिया, तो जो इस पूरे पैरेललोग्राम का जैसे मैंने बताया था, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो जो ट्राइंगल ए बी सी का ट्राइंगल का एरिया हुआ है ये प्लस में ए सी डी हो गया 109 अपॉन 2। तो सिंपल है, इन दोनों का बेस 2 ही है, तो एलसीएम भी इसका 2 ही आएगा, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करा तो 1 बार में गया, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है तो उसको मल्टीप्लाई करा 35 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस का साइन है लगा दिया, फिर से इस 2 से इस 2 को डिवाइड करा, एक बार में जाएगा और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 वन जा 35 प्लस 109 अपॉन 2, और डिवाइड इनको प्लस करेंगे तो आएगा 144 अपॉन 2, और इसे डिवाइड करा 27 जा 14 2 जा 4, तो 72 स्क्वायर यूनिट्स। तो बस ये है इसमें, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और कोई डाउट रहेगा तो उस पर भी कमेंट कर दे, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, किसी और क्वेश्चन में भी डाउट होगा तो वो भी लिख दीजिएगा, उस पर वीडियो बना दूंगा, और
इस प्लेलिस्ट का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा या आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाइए और ये सैंपल पेपर और बाकी भी वहाँ पे काफ़ी वीडियो लगा रखे हैं, तो वहाँ पे जाके आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।